किसानों के लिए वो छोटा किसान है तो वो अपना काम अपने से कर लेता है, मतलब अपना परिवार सब मिल करके। बड़ा किसान है तो उसका ट्रैक्टर है, उसका उस तरह के चीजें हैं। इधर सबसे पहले किसान हो या मजदूर हो, हम कहेंगे कि सबके पास जमीन होना चाहिए। यदि मान लीजिए हम एक परिवार में हैं, मेरा 5 परिवार है, तो कमाने वाला 2 जन है, एक कमाने आज नहीं जाएगा तो एक जन कमा करके कितना लाएगा घर पे। और हम खेत में काम करते हैं, काट रहा है तो 17वां बोझा मुझे मिलेगा, वही मेरा दिन भर काम करने का मेरा मजदूरी वही है, 17वां बोझा। वो बोझा से हमको 2 किलो मिले, 5 किलो मिले, जो मिले, तो मेरा दिन भर का काम का वैल्यू मूल्य उतना ही है, समझे ना। तो किसान का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और मजदूर का हालत, महिलाओं का मेरा एक कंप्लेंट ही है, जो प्रोग्राम है जीविका, ठीक है, जीविका का NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, जब उसका वो किताब हैंडबुक तैयार हो रहा था, मुझे भी हर मीटिंग में मुझे भी दिल्ली में बुलाए थे, क्योंकि महादलित के साथ काम करने वाली एक महिला हो करके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जीविका का यही है, जीविका विल वर्क फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मुसर है, उनके बीच में जीविका का काम बहुत ही नाम मात्र है। तो उधर बदलाव आना है तो उधर से शुरू होना है। तो मेरा कंटेंशन है कि जीविका ऊपर से शुरू करता है, वो महिलाएं पढ़ी लिखी है, नहीं तो सक्षम है, नहीं तो समझ सकते हैं, वो लोग रिस्पॉन्स देंगे जल्दी, और जीविका अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर देता है उधर। उसके बाद जीविका नीचे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर उतना काम नहीं करते हैं। यदि जीविका भी, जीविका में जो करोड़ों रुपया है जो महिलाओं का काम के लिए खर्चा करते हैं, उसमें 50% कम से कम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर महिलाओं के साथ काम करते, तब बदलाव देखने के लिए मिलते, ऐसा हो नहीं सका भी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गए जब दारू बैन किए हैं, उसके बाद मुसलों का हालत बहुत खराब था, डर के मारे वे लोग दारू हटा दिए, या छिपा के बना रहे थे, या पुलिस रेड किए पकड़े हैं उन लोगों के साथ, बहुत दिक्कत हुआ पुलिस, लेकिन बिना कारण भी लोगों को पकड़ के ले जाते थे, ठीक है। और मेरा बेटा से एक लड़का को पुलिस पकड़ के ले गया और उसका टॉर्चर करके वो मर गया, और पुलिस एक गांव में जा कर के 11 महिलाओं को बुरी तरह से पिटाई किया। तो इतना सब होने के बाद मुझे बहुत भीतर से ये हो रहा था टेंशन, तो हम गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनसे ये सारी बातें बताए हैं, तो वो बहुत अचंभित हो गया। वो अपने सेक्रेटरी से पूछने लगा, अरे भाई इसमें मुसर महिलाओं को पीटने का क्या बात हो रही है, महिलाओं को क्यों पीटते हैं। तो मैं उनसे बोला, सर जमीन की बात, आप 4 डिसमिल जमीन वादा किए थे, उसका क्या हो गया। उसके लिए भी उनके पास जमीन, मैंने जवाब ऐसे नहीं दे पाए। कारण देखिए, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, हर चीज़ मुख्यमंत्री नहीं कर पाते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ सचिव नहीं करेंगे, तो ये जिम्मा दे दिया किसी को, वो नहीं किया, पूरा नहीं किया। वही बात है जमीन का, 4 डिसमिल जमीन भी वही फाइल्स में रह गया, या किसी को दिया है तो जो जहाँ आप रह रहे हैं वो जगह का पट्टा आपको दे दिया, पर्चा दे दिया, और बोलेगा कि हम जमीन बांट दिया, हो गया। वही हुआ, कुछ बहुत कम नंबर में कुछ। उसके बाद एक मुद्दा मैं मुख्यमंत्री जी से भी बोले हैं, देखिए इन लोगों को राशन नहीं मिलता है,
है ना, जो इन लोगों को राशन भी नहीं मिलेगा तो ये लोग खाएंगे कौन, जीरो तो मर जाएगा। तो मुख्यमंत्री भी बात बोले, कहा भाई इन लोगों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है, अब देखिए इस पर। तो बात ही है, चाहे एक ऑफिसर को उतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो ब्लॉक में है तो मेरा ब्लॉक में कोई मुसहर परिवार या मुसहर बस्ती में राशन डिनाई नहीं होगा, और वो कभी कभी जाके पूछे आप लोगों का क्या तकलीफ है, आपको राशन मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है। तो इन लोगों के बीच में कोई नहीं आता है कुछ पूछने के। स्टेटस हम क्या आरटीए में क्यों डालेंगे, मेरा सामने है स्टेटस, मैं इधर 2 सप्ताह पहले 3 मुसहरी में गए हैं, तीनों मुसहरी में एक भी टॉयलेट नहीं बना अभी तक, और नल जल नल योजना नहीं पहुंचे है। तो मैं पूछने पर बोला, वीडियो सब बोले हैं कि हम लोगों के लिए नहीं है, पूरा बिहार के लिए 7 निश्चय में 1 निश्चय यही है, सबके घर घर में पानी पहुंचेंगे। तो आपके लिए क्यों नहीं है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं है इधर? और उसके लिए हम समाज से एक एप्लीकेशन लिखवाए भेजे है, कई दस्तखत लेकर के, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो मेरे सामने है, हमको ये मुसहर लोगों के बारे में आरटीआई की कुछ भी हमको आरटीआई से पूछने की जरूरत नहीं, हम देख रहा है इस सब इलाका में जल नल योजना आ गया, लेकिन परसा पंचायत में 3 मुसहरी में 4 मुसहरी में कुछ नहीं आया, तो इसका भी जानकारी मैं दे दी हूँ। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि मुसहर लोग पढ़े, हमारे पास कम से कम 2,500 बच्चे पढ़ते हैं, समझा, हम 6 ब्लॉक में काम करते हैं पटना जिला का, तो एजुकेशन एक मुख्य काम है हमारा, क्योंकि बिना बच्चे पढ़ के हम मुसहर को आगे जाते नहीं देख पाएंगे। ये लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक पास होंगे, +2 पास होंगे, तो कम से कम एक छोटा सा नौकरी कहीं पर मिलेगा, रेगुलर कुछ पैसा उनके घर पे पहुंचेंगे, तो कुछ एक बदलाव, चाहे उसका स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, उनका साफ सफाई रहने का एक इच्छा होगा, बहुत सारे चीज़ें संभावना की है, अभी काम और बहुत बाकी है। अभी नई नई चीज़ें जैसे हमारे युवा वर्ग के बीच में कुछ और काम कराना चाहते हैं उन लोगों का, कुछ स्किल ट्रेनिंग, कुछ और बाहर निकल करके कुछ काम करना, बिहार में देखिए उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, बाहर जाके देखिए क्या है, कर सकते हैं तो कुछ छोटा ट्रेनिंग लो, बाहर जाओ कमाओ, और पढ़ाई में भी उसके अलावा महिलाओं का लाइवलीहुड पर मैं काम कर रही हूँ। अभी मान लीजिए हमारे साथ मुसहर महिलाएं काफ़ी संख्या में, वे लोग हम लोग उन लोगों को बोले देखिए ज़मीन तो इतना जल्दी नहीं आएगा, आप ज़मीन लीज पर लीजिए और काम कीजिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा पैसा खर्चा करके उन लोगों को 2.25 बीघा ज़मीन ले लिया, उसमें 10 महिलाओं को बोला तुम लोग खेती करो। ये तीसरा साल है, वे लोग 2.25 बीघा में वे लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ को हम लोग बाकी महिलाओं से बोला देखिए सबके लिए ज़मीन लेना हम लोगों से संभव नहीं है, 15,000 रुपया 14,000 रुपया में ज़मीन मिलता है 1 बीघा, आप भी लीजिए काम कीजिए। कम से कम अभी मेरे पास 400 महिलाएं हैं जो ज़मीन लीज पर लेकर के खेती कर रहे हैं, और उसमें पैड़ी मिलता है, गेहूँ, दाल, चना, प्याज, 5 फसल निकाले हैं, बहुत खुश। वो लोग बोलते हैं जो होगा वो मेरा है, हमको किसी को देना नहीं है। तो उस तरह से वे लोग काम कर रहे हैं, और कुछ और लाइवलीहुड के लिए हम सत्तू बनवा रहे, सत्तू बेसन वगैरह, और उसका भी बिक्री होता है। क्यों कहते हैं कि हमारे मुसहर परिवार भूखे ना रहे, तब ही वो
सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे को हम स्कूल भेजेंगे।